अस्सलाम वालेकुम, तोडे ने बकरे है की रेट है ना दा? इना दा 5.5 लाख। 5.5 लाख? कितना गोश्त है ना इच? इना च है गोश्त 110 किलो। 110 किलो? 110 किलो। फाइनल की रेट लाना है ना दा? फाइनल दा की आएगा को गाग को 2-3 हजार कट हो जाएगा। 2-3 हजार कट हो जाएगा? कट हो जाएगा। अन्य महंगे क्यों दे रहे हो? महंगे को नहीं, पिछे ही पड़ेगा। इन्हें दूध दे पले, इन्हें मेहनत की थी, ये 2 साल दे ने पिछो आए ना कि आप पाले ने? आप ही पाले ने घर 2 साल दे। 2 साल दी मेहनत है ये? हाँ जी। की खवांदे रहे हो इन्हें? दूध दाल कड़ा समान बड़ा कुछ। नाम की है ना दा? एक दा नाम मिथल ने रखे, एक दा नाम मिथल बच्चन। एदा नाम अमिता बच्चन है? हाँ, एदा बकरी नाल सी ना छोटे छोटे, उदो फिर बड़ा कुछ सी, हुण बकरी हुण कल्ली रह गई। अच्छा, हुण बकरी अभी कल्ली रह गई, उन्हें लथे ले आयो? हां, 14 बकरियां अपने को। अमिताभ बच्चन गल करेगा। बस दो जानवर है लेके जाने। कितने पैसे? 300 रुपया फी जानवर। 300 रुपया फी जानवर के? और अगर लोडर में करवाना हो? सर मैम, अगर पिकअप में हो तो 700 रुपया पिकअप की खर्ची। 700 रुपये पिकअप के? एक जानवर का 300? कितने बने? 1300 रुपये। 1000 रुपये एक जानवर का? अगर दो जानवर हो तो 1300 रुपये। लेकिन सेक्रेटरी साहब तो कह रहे हैं कि ऐसा कोई निजाम नहीं है। अभी अंदर आए। पैसे किस चीज के ले रहे हो आप? हमारे ठेकेदार से सुझाव बात कर, उन्होंने कहा है कि व्यापारियों का है ये, जो खरीदार है उनके लिए तो ऐसा कोई सीन नहीं है। मैम, मैम वो हमारे सामने दफ्तर है, उधर चले उधर। हम दफ्तर से होकर आए हैं। जी जी, वो ठेकेदारों का दफ्तर है सामने। कितने चार्ज कर रहे हैं? 2800 रुपए। कितने जानवर है? एक जानवर का 2800। ये मुझे 1000 बता रहे हैं। ये आप, ये कितना है? 2600। और ये 2700 रुपया कर रहे हैं? 300 आपने अपने पैसों को खरीदा है? आप किसी से मांगे तो नहीं लाए? तो नहीं लाए? आपके पैसे भी मानी का तो नहीं लाए? ये शाह है, इसलिए इसका 2500 रुपया फिक्स है। किसकी पर्ची? पर्ची लोडिंग प्राली की जो पर्ची है ना, वो 2500 रुपया की पर्ची है। शाहजोर का है, शाहजोर का बिल्कुल। लेकिन हम खड़े बात करेंगे, शाहजोर की जो पर्ची है ना लोडिंग प्राली की, खड़े हो के इस साइड पे वो कैमरा है, शाहजोर की जो पर्ची है लोडिंग प्राली की जो पर्ची है वो 2500 की है। फी जानवर 300 रुपया। फी जानवर 300 रुपया, लोडिंग की पर्ची अलग 2500 रुपया, 2800 रुपया बन गया। लेकिन सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि ऐसा कोई बात ही नहीं है, व्यापारियों के पॉइंट पर जो है ना, पॉइंट पर पर्ची होती है जो पॉइंटेबल है, बाहर पर्ची नहीं आया। जो बाहर जो मेन नाका उधर सिर्फ पर्ची चेक होनी है, पर्ची चेक होकर वापस चली जानी। जानवर खरीद के पैसे तो ये दे आए हैं। बिल्कुल, ये जानवर परचेजिंग की पर्ची है, ये मंडी की रसीद होती है। ये गवर्नमेंट ने अभी रिकॉर्ड नहीं किया, ये 2 अरब का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है ना? ये 2 अरब का कॉन्ट्रैक्ट है, किस बात का उन्होंने लिया? इसी बात का लिया, ये गवर्नमेंट ने जो पैसे पे किए लिए ना ठेकेदार से, गवर्नमेंट से ठेकेदार ने 2 अरब लिया, 2 अरब का कॉन्ट्रैक्ट लिया। अब आप ये अवाम की पसियों से निकाल रहे हैं, जाहिर सी बात है, पर्ची वो वहाँ पे जानवर खरीद कर आए, अब आपको वहाँ की 2500 रुपया दे रहे हैं एक्स्ट्रा। 2500 नहीं दे रहे, ये लोडिंग प्राली की पर्ची देनी है 2500, 300 रुपया जानवर की पर्ची देनी है। गाड़ी वाला लोड करके लेके जाएगा, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस है। अगर हम पैदल जिस तरह जानवर लेके जा रहे हैं, हमारे एक्स्ट्रा चार्जेस है। जो सेक्रेटरी साहब जिनकी आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने कहा इस किस्म का कोई सीन नहीं है, ये आपके सामने हो रहा है, ये भाई ने दिया आपका 2500। आपने कौन लेकर जा रहा है लोडर में? और किस चीज का ले रहे हैं? मतलब सेक्रेटरी साहब जो के इस सब चीज को लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो फिर उनकी क्या हैसियत है? हमारी अगर उनकी बात भी हुई है, उन्होंने यही कहा है कि ऐसे जैसे कोई फीस नहीं है। अगर ये फीस है भी तो व्यापारियों के लिए है, खरीदार के लिए।
ऐसा कोई फीस नहीं है, अगर ऐसा कोई सीन नजर आए तो हम उसको लुक आफ्टर करेंगे, हम देखेंगे। पहली पर्ची जो है ये 2500 की निकली है, 2800 की जो कि कह रहे हैं शेजोर में, लोडर की फीस 2500 है, जानवर की फी कट प्राइस जो है वो 300 रुपया है। आपसे कितने मांगे उन्होंने? हमसे अभी हम पैदल लेके जा रहे हैं जानवर, हमसे 300 रुपए फी जानवर मांगे, हमारे पास दो जानवर है, क्योंकि मैं नहीं देना चाहता, क्योंकि ये गलत है, मेरे हलाल के पैसे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं मेहनत से पैसे कमाता हूँ, मैं टैक्स पेयर हूँ, मैं हर चीज का टैक्स देता हूँ, मैं इधर एक्स्ट्रा पैसे क्यों दूं? आगे मैं ऑलरेडी जानवर महंगा ला रहा हूँ, वो मेरी किस्मत है, वो मैं व्यापारी से जितना मर्जी लड़के लूं, लेकिन मैं इधर आगे 300 रुपए एक्स्ट्रा क्यों दूं? सेक्रेटरी साहब के पीआर है, उनको फोन करके पूछने की किस चीज की पर्ची है, ये उनके उनके नोटिस में है, ये सारी चीजें ये मुकम्मल उनके नोटिस में है। 3 अरब का जो कॉन्ट्रैक्ट लिया, ये 2 अरब का जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है, वो सिर्फ इस वजह से लिया है कि जो आप 300 रुपए फी का जानवर पे लगाएंगे। एक जो डिजिटलाइजेशन हुई है 2024 की कुर्बानी में, ये है कि स्टेट बैंक ने तमाम बैंक को अलाउ कर दिया है जो अमाउंट है वो ट्रांसफर कर सकेंगे क्यूआर कोड के जरिए। ये हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इमरान मेरा नाम है जी। मुझे बताएंगे क्या तफसील है, पैसे कैसे ट्रांसफर होते हैं, अकाउंट कैसे बन रहा है? हम जाके जितने भी यहाँ बैठे हुए है व्यापारी बैठे हुए है, इनकी जाके फार्म हाउस में जाके हम इनके अपना पर्सनल फार्म हाउस के नाम से मर्चेंट अकाउंट बनाते हैं, तो उसके जरिए वो QR के जरिए कोई भी कस्टमर आएगा वहाँ पे, वो QR से स्कैन करके उसको पैसे दे सकते हैं। कैश जो है वो लाने की जरूरत नहीं है, कैश लाने की जरूरत नहीं है, उसी टाइम QR होगा, स्कैन होगी, जितनी भी अमाउंट उसने ट्रांसफर करनी है वो इजीली कर। तो अभी तक कितने व्यापारी हैं जो आप रजिस्टर्ड कर चुके हैं? अब तक हम कोई 15 से 16 कर चुके हैं। 15 से 16 कर चुके हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं आप? बिल्कुल ट्रस्ट कर रहे हैं, उनको इतनी समझ नहीं है ना, नया नया है बिल्कुल। बाकी बैंक भी यूज कर रहे हैं ऑनलाइन, उनको समझ जल्दी आ गई है, तो उनके ऐप में के जरिए वो ट्रांसफर कर सकते हैं। काफी हद तक लोग कर रहे हैं, 15-16 अकाउंट बना चुके हैं, मजीद हम कोशिश कर रहे हैं इसको मजीद एक्सटेंड किया जाए, लोगों को अवेयरनेस दी जाए इसके हवाले से, ताकि वो कैश कैरी करने में उनको सुविधा। ठीक है, मंडी में पहले ऐसा तो था कि कैश जो है वो लाना जरूरी होता था, और अब ऐसा है कि आप डिजिटल ट्रांसफर भी कर सकते हैं, व्यापारियों के पास एक QR कोड होगा जिसके थ्रू वो अपनी जो खरीदार है अपनी रकम जो है आसानी उनको ट्रांसफर कर सकते हैं। ये जो है 2024 की कुर्बानी की नई डिजिटलाइजेशन है जो कि बहुत अच्छी भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। क्या रेट जा रहे हैं मंडी में? ये मंडी में मांग रहे हैं 1.5 लाख रुपया छोटे से बकरे का, 30 किलो का बकरे का वजन है, 1.5 लाख रुपया मांग रहे हैं। ना इधर कोई इंतजामी हो रही है, कोई जितना मर्जी खुद आपने से रेट मांगी जा रहे हैं, तो वो लेना ना लेना तो आपकी मर्जी ना, वो तो अपने जानवर का रेट बताएंगे। थोड़ा सा रेट तो कम करें ना, तो क्या रीजन बता रहे हैं वो रेट हाई करने की? ये कुर्बानी कैसे लोग देंगे? आगे तो महंगाई बहुत ज्यादा थी, कुर्बानी से ज्यादा महंगाई इन्होंने कर दी है, तो वजह क्या बता रहे हैं, रेट्स क्यों महंगे हैं? महंगे रेट ये कह रहे हैं कि हमारी खुराक नहीं पूरी हुई, सब कुछ हो रहा है, अभी तो तेल भी नीचे आया हुआ है, फिर ये महंगाई कर रहे हैं। तो फिर आपको लग रहा है कि पिछले साल से कम रश है, लोग कम कुर्बानी करेंगे इस साल? जी इस साल कम करेंगे लोग।